नमस्कार संसार क्रांति की टीम इसमें रोहतक में मौजूद है और जैसे कि चुनावी माहौल नज़दीक आता जा रहा है उसी प्रकार से जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। ताज़ा तरीन हम यदि बात करें तो इनेलो और बसपा का अभी गठबंधन हुआ है और विपक्ष की जितनी भी जो पार्टियां हैं या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उन तमाम नेताओं का ये कहना कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो स्वार्थ के चलते हुआ है और उसी की तमाम जानकारी लेने के लिए इस समय हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। हम जानकारी लेंगे जो जिला उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के रोहतक के भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं प्रवीण घुसकानी जी। प्रवीण जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए जी प्रवीण जी, जो बसपा और इनेलो का अलायंस हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रदेश की जनता पर असर पड़ेगा और आगामी चुनावों पर इसका क्या असर आप मानते हैं, क्या असर होगा? आगामी चुनाव पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये गठबंधन है जो इनका अपना खुद का निजी स्वार्थ के लिए है और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इनके हित के लिए कौन काम करता है और इसीलिए बीजेपी के साथ प्रदेश की जनता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी जी। लेकिन प्रवीण जी, गठबंधन के जो नेता हैं उनका ये कहना है हमारे जो आगे जो चुनाव होंगे उन 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम जीत का परचम लहराएंगे, जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए जो इनकी अपनी जो वोटर हैं इनेलो के, वो वोटर भी इनसे खुश नहीं इस गठबंधन से और बसपा के वोटर भी इस गठबंधन से खुश नहीं है। इनके आपस में भी जो इनके वोटर हैं वो खुश ही नहीं हैं, तो क्या परचम लहराएंगे? ये अपने कुर्सी के लिए भागदौड़ कर रहे हैं बस। चलिए, तो साफ तौर पर जो जिला उपाध्यक्ष है किसान मोर्चा के रोहतक से भाजपा के किसान मोर्चा के, तो इनका प्रवीण घुसकानी जी का साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन हुआ है ये स्वार्थ के चलते हुआ है और इस गठबंधन का किसी भी प्रकार का असर प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ तक इनका कहना है जो दोनों पार्टियों के मतदाता है विचारधाराएं बहुत विपरीत हैं दोनों पार्टियों के और मतदाताओं में इस गठबंधन के चलते रोष है जिसके चलते गठबंधन के टूटने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। और भी तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। रोहतक से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।